76 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, टू प्रोटॉन एंड टू लेस देन सम मास ऑफ टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, कौन सा सही है बेटा 76 का? कौन सा सही है 76 बेटा? यहां पे यदि हीलियम होता तो पहला सही होता, पता है क्यों? क्योंकि बेटा कुछ ना कुछ एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी में खत्म होती है, और यदि अल्फा है तो अल्फा में भी क्या न्यूक्लियस है? हीलियम में तो सही था कि टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन और टू इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन अल्फा में क्या इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं होता है, क्या होता है? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्चुअल में इसका आंसर जो सही होगा बेटा वो ए होगा, कि कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी में क्या खर्च होती है? मास डिफेक्ट जाता है, याद है कि नहीं? तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? 77 हो गया होगा, सिंपल था। रेडियम का हाफ लाइफ इतना है, 6400 साल में कितना हो जाएगा? तो हाफ लाइफ कितना हो जाएगा बेटा, कितने हाफ लाइफ हो गए? 4 हाफ लाइफ आ गया। तो यदि हम एक से लेके चलें, कोई एक है तो एक हाफ लाइफ बाद कितना होगा? हाफ। दो हाफ लाइफ के बाद 1/4, तीन हाफ लाइफ के बाद 1/8, और चार हाफ लाइफ के बाद जो भी उसका कंटेंट होगा उसका 1/16 बचेगा। क्लियर था? आसान क्वेश्चन था। 78 भी हो गया होगा, 78 तो क्लास में ही कराया गया है, सिंपल है। 1 कर लिया न्यूट्रॉन तो एटॉमिक नंबर एक क्या हो गया? एटॉमिक मास एक बढ़ गया, और एक बीटा पार्टिकल निकल गया बेटा तो एटॉमिक नंबर भी एक बढ़ गया। 78 आसान था, 79 और आसान, कितने हो जाएंगे? 5 हाफ लाइफ, 8। एट हाफ लाइफ हो जाएगा क्या? चार हाफ, अरे कितना है? 64 है, 6400 है अपन 800, तो 8 हाफ लाइफ हो गया, 4 ये 1/16। सिंपल था। अगला क्वेश्चन, सारे ही हो गए होंगे, कोई फंसा है तो बताओ। इसमें कोई बेटा क्वेश्चन फंसा है तो वो बताओ, उसको डायरेक्ट बताऊ मैं। सभी किए हो गए और सभी आपके नोट्स में सारे मिल गए होंगे, कोई नहीं फंसा, सब निकल गए, वो लेके भी गया, हो गए थे क्वेश्चन या फंसे थे? कोई नहीं फंसा। किसने किसने अटेम्प्ट किया है? अटेम्प्ट किए होगे तो नहीं फंसा होगा। 82 क्वेश्चन पढ़ो बेटा। अच्छा, दो अभी एक्टिविटी में है, 2 माइक्रो क्यूरी है, ठीक है, और उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 1 मंथ है। अभी कितनी है बेटा? 2 माइक्रो क्यूरी है, तो 2 मंथ पहले कितनी रही होगी? क्या एक हाफ लाइफ जो है एक मंथ की है? तो बेटा एक मंथ पहले क्या ये 4 रहा होगा, तभी रिड्यूस होके ये हाफ हुआ होगा, और एक मंथ पहले जाओ 2 मंथ है ना, तो कितना रहा होगा? 2 मंथ अर्लियर का पूछा है, तो इंटू टू 2 मंथ लेटर पूछता तो 1/2 हो जाता है, ये कितना हो जाता? 1 एक मंथ में और अगले मंथ में 1/2। कितना आसान क्वेश्चन था बेटा, बाकी हो गए सब, बहुत आसान चैप्टर रहा होगा ये, फ्री के नंबर होते हैं मॉडर्न के। अब बेटा नहीं किए होगे तो नहीं फंसा, फंसा भी नहीं होगा, और पढ़ के किए होगे तो नहीं फंसा होगा। 86 पढ़ो क्वेश्चन बेटा। The power of
1000 किलोवाट द मास डिके यूरेनियम पर आवर इज पावर डिके डिसइंटीग्रेशन। चलो निकालो इसको उससे डेल्टा एम से, डेल्टा एम इंटू एम वी सी निकालो फटाफट करो मास डिफेक्ट से। कैसे नहीं आएगा करो। मास डिके पर सेकेंड निकाल सकते हैं? यदि मास डिके हम पर सेकेंड निकाल लें तो क्या पर आवर भी निकल जाएगा? चलो करते हैं मास डिके पर सेकेंड। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एम इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। अब m हमें थोड़ी निकालना है, डेल्टा m मास डिके निकालना है। मास ही तो पूछा है हमसे ना बेटा, क्या पूछा है? मास डिके पूछा है ना, तो डेल्टा m पूछना है। तो डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा e अपान सी स्क्वायर। पर सेकेंड के लिए किस पे जाएंगे हम? डेल्टा m बाई t पे। बोलो पर सेकेंड m by delta t, तो b by उधर भी delta t। अच्छा, change in energy is equal to work done w by t is equal to p। अब मैं कह सकता हूं डेल्टा m by delta t जो हम निकाले हैं, ये e by t को हम क्या लिख सकते हैं? p P बाई सी स्क्वायर। पर सेकेंड का निकालना है, पर सेकेंड का निकाल लो। पावर कितना दिया गया है? 1000 किलोवाट। 1000 इंटू किलो इंटू वाट, पावर में वाट दे दिया है, अपॉन सी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁸। ये कितना हो गया? ये क्या आया बेटा? पर सेकंड में आ गया क्या? अब पर आवर पूछा है, इंटू 60 मिनट में आ गया, इंटू 60 सेकंड में आ गया। 3 × 3 = 7 = 8 ये कट गया। कितना बचा ऊपर बेटा? कुछ नहीं बचा। नीचे कितना बचा बेटा? ऊपर है 6 × 6 = 12 36 अपॉन 9 × 10⁸ 4 × 10⁻¹। अच्छा माइक्रोन में बदल दूं, डिवाइडेड बाई 10⁻¹⁶। कितना आ गया? 4 × 10⁻¹⁶। अरे 6 × 10⁻¹⁸ आ गया। कुछ किसमें दिया गया है ये आंसर? अब ये आंसर आपका किसमें आया है? केजी में आया है। ये कितना है? केजी में है। चलो केजी को यदि मैं ग्राम में बदलूं तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 1000 से। तो कितना हो जाएगा बेटा? 40 अच्छा 4 × 10⁻¹⁵ ग्राम। अब इसको लिख सकते हैं
40 × 10⁻⁶ ग्राम। यदि माइक्रो से चेंज करना है तो 10⁻⁶ भाग दे दो। क्या ये 10⁻⁶ एक माइक्रोग्राम के बराबर होता है? इसको मैं लिख सकता हूँ 40 μg। ठीक है, आसान क्वेश्चन तो था बेटा। ये बताया नहीं क्या है, P इज इक्वल टू W बाई टी ना आई बाई टी नहीं, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन कुछ नहीं दिया गया है तो एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम में जाओ, वहाँ ये दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? '91 तो पहले बताया गया, न्यूक्लियर फिजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी। मॉडरेटर की तरह हैवी वाटर, सोलर एनर्जी, फ्यूजन रिएक्शन। सेम बेटा इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, 95 निकल गया होगा। यदि वो निकल गया तो 95 भी निकल गया होगा। डायरेक्ट सीधे सीधे आ गया होगा। अच्छा, इसको चेंज नहीं करने आ रहा था। अरे, इसको मैं एक माइक्रो लिख सकता हूँ कि नहीं? जिस भी यूनिट में लिखना हो, जैसे देखो यदि आंसर आपका आ गया 4 × 10⁻⁸, पता लगा कि आगे आंसर दिया है एंगस्ट्रॉम में। अभी आप एंगस्ट्रॉम वाले टर्म में इसको यूज करो। इसको लिख सकते हैं हम 400 × 10⁻⁰ लिख सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर दिया। अरे बेटा, क्या ये एंगस्ट्रॉम में चेंज हो गया क्या? अब इसको हम 400 एंगस्ट्रॉम भी तो लिख सकते हैं। हमेशा उस यूनिट में लेके चले जाओ, जो वैल्यू आए सीधे पुट अप कर दो। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में 20 तक किए थे अटेम्प्ट? yes, कोई हाँ फंसा था कोई? एक, बहुत नाइन्थ वाला निकालो। अब वोल्ट का एक्यूरेट नहीं आ रहा, कुछ और ही आ रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंपली हो गया होगा कि सबसे जो जितने पास होगा उसका क्या बहुत ज्यादा होगा उतनी ब्लास्ट किया जाएगा। बीवी हो गया होगा क्लास का क्वेश्चन। अरे MR1V1 = MR2V2, ये एंगुलर मोमेंटम पे क्या बेस्ड होता है क्या? कंजर्वेशन ऑफ केपलर सेकेंड लॉ यही तो है। क्या है बेटा?
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एम से एम कट गया, क्या पूछा है, v1 by v2 इधर लेके आ गए, v1 by v2 इज इक्वल टू r2 by r1। एक एक लाइन का क्वेश्चन होता है ग्रेविटेशन का बेटा। तीसरा भी आ गया होगा, यदि डबल एरिया है तो t1 की वैल्यू t2 से डबल हो जाएगी, क्लियर है। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो फंसेगा वो पक्का बताएंगे, वो तो बताना ही है मुझे। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम ऑफ द बी, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सन हाउ मेनी टाइम लार्जर देन द बी। अच्छा ये बताओ, यहां पे जो है वो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब होता है, ये पढ़ाया गया है क्या, डिस्टेंस का रिलेशन पूछा है उसने। अब पहला है क्या, क्या है बेटा, किसका टाइम पीरियड ज्यादा है, द टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट ए इज 8 टाइम ऑफ द बी। तो मैं कह सकता हूं टी ए को 8t लिख दूं, अपान टी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, आर वन अपान आर टू का होल क्यूब, हो गया। हमें R1 और R2 में रिलेशन चाहिए क्या, टी स्क्वायर, अच्छा 8 टाइम है ना, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है कट गया, कितना आ गया बेटा ये 64 इज इक्वल टू R1 अपान R2 का होल क्यूब। अब देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, 64 इज इक्वल टू R1 क्यूब अपान R2 क्यूब, होगा। इसको इधर लेके चला जाऊं कोई दिक्कत नहीं, कितना आ जाएगा बेटा 64 R2 क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब, सॉल्व कर लो, 4 के आसपास आंसर आएगा क्या। अब देखो, अब इसका जो रूट लोगे बेटा वो क्यूब नहीं इस फॉर्म में होगा। अब इसको यदि मैं R1 का क्यूब का मैं 3 कड़ी में ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, R आ जाएगा या R1 आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू 3 R2 into R2 into R2 into 4 into 4 into 4। अब देखो एक एक बाहर निकल गया, वही तो करते जो स्क्वायर में, ये ट्रिपल क्यूब में है, तो R1 इज इक्वल टू 4 है ना, 4R2, सिंपल था, 4 की मल्टीप्लाई। अब ये बेटा एक क्लास 6-7 का मैथ है, जैसे आपको दिया जाए 8 के पावर 1 बाई 3, ठीक है, ये कैसे निकालोगे, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 into 2 into 2 के पावर 1 बाई 3, कितना हो जाएगा ये। अब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 into 1 बाई 3, देखो मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, लिख सकते हैं 3 3 से कट गया, ठीक है। अच्छा इसी को बता दे रहा हूं, वाह अरे ये तो याद आ रहा था, चलो सॉल्व कर दे रहा भैया, मैं कह दिया 64 R या R R1 क्यूब इज इक्वल टू 64 R2 का होल क्यूब, ठीक। अब यहां यदि R1 की वैल्यू निकालना है तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा,
मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इंटू 3। क्या हमें R1 की वैल्यू आ गई? अब यहां लिख दो 64 R2, 64 R2 के पावर 3 है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 4 के पावर 3 इंटू R2 के पावर 3। अब मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा 1/3 से और 1/3 से, वहां से काट के कर सकते हो। जैसे तुम्हें स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, जैसे तुम्हें क्यूब रूट सॉल्व करने आता हो, ठीक है, क्लास 7 में है ये, क्लास 6-7 में है ये क्यूब रूट। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया होगा, सेम क्वेश्चन उसी पे है, R² T² ∝ R³ पे। सिक्स क्वेश्चन, टी टाइम पीरियड क्या पूछा है, विच फॉलोइंग इज करेक्ट, टी इज कंजर्व्ड, नहीं बेटा टाइम पीरियड जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे जैसे टाइम पीरियड भी टी प्रोपोर्शनल आर क्यूब। क्या टाइम पीरियड आर के साथ साथ चेंज होता जाएगा? हाँ। दूसरा क्या है बेटा, वी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल निगेटिव है, माइनस जीएम, याद आया, ई इज ऑलवेज निगेटिव, पोटेंशियल टोटल एनर्जी निगेटिव ही है, तो एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है, माइनस एम जी आर। निकाला गया है कौन सा सही है, सी। सेवन, क्लास में करवाया गया है क्या, 2R1 × R2 / R1 + R2। एट, टू एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग इन ए ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद द स्पेस शिफ्ट इफ टू विल, गुड। अच्छा, अब ग्रेविटेशन में तो है नहीं, लेकिन क्या है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट करती है। हम आपके पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी है, मुझे खींची है, मेरा फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है, इस कारण नहीं। लेकिन ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो तो क्या वहां पे ग्रेविटी लग रही है, नहीं लग रही है, जीरो है। अब बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा तो एक दूसरे की तरफ आने शुरू हो जाएंगे, हाँ, तो कौन सा होगा इसमें आंसर, मूव टूवर्ड्स ईच अदर। अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ो, नाइन्थ पढ़ो, मन से पढ़ो, थोड़ा सा मुझे सुनाई दे। कह रहे हैं कि कैपलर साहब ने कहा है प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट नहीं होता है, टी स्क्वायर, उसके साथ और भी फैक्टर थे, मैंने लिखवाया था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ये कैपलर साहब ने बताया, अभी तक के क्वेश्चन में ये पता लगा। आगे चलो, कह रहे हैं यदि हम टी स्क्वायर पे कांस्टेंट हटा दें तो क्या जाता है, के आर क्यूब, अभी तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं आई। इफ द मासेस ऑफ सन एंड प्लैनेट आर एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, प्लैनेट और सन एंड प्लैनेट, सन और सन के अराउंड प्लैनेट कर रहे हैं, सन और सन का मास कितना दे दिया, मास ऑफ सन इज एम, और प्लैनेट का मास कितना दे दिया बेटा, प्लैनेट इज ए स्मॉल एम। Respectively, then as per Newton's law of gravitation, force of attraction between them is F is equals to G, capital M, small m upon R square. F is equal to G, capital M, small m upon R square. R square. Here G is gravitational constant, the relation between G and K is described as. G is gravitational constant, relation आपको निकालना है G और K में, निकालो फटाफट। अच्छा नहीं निकल पाया, अच्छा दोनों के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, फोर्स अट्रैक्शन का, अच्छा अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, क्या यही फोर्स है क्या, अच्छा क्या यही फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स है क्या जिसके कारण वो रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं जी
एम एम अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। कुछ काटो पीटो, देखो कुछ कट रहा है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अच्छा v स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास g कैपिटल m सन का मास अपान r। बोले सर v स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो उससे क्या हो जाएगा बेटा? इसे टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है? t एक रिवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगा वही क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो बेटा रिवोल्यूशन क्या आर रेडियस में कर रहे हैं, देखो ये आर दिया हुआ है, डिस्टेंस, ये आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सन और प्लेनेट के बीच में, यही डिस्टेंस है। अच्छा यदि ये डिस्टेंस है तो मैं कह दूं टी इज इक्वल टू टू पाई अपान टू पाई आर, यही रेडियस है, अपान वी। अच्छा टाइम का कैसे है रिलेशन, क्या इसका मैं स्क्वायर कर दूं, क्या स्क्वायर करो, देखो कितना आता है, किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन जी और के में। अच्छा इसका डब करो, टी स्क्वायर करो इज इक्वल टू, देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान वी स्क्वायर। अच्छा जी वी स्क्वायर, वी की वैल्यू भी कुछ आई है क्या, वी की वैल्यू क्या आई है, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, जी एम बाई आर। अच्छा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान जी एम बाई आर, कितना हो गया, t स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब अपान जी एम। अच्छा अब मैं कह दूं फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब अपान जी एम इज इक्वल टू के आर क्यूब, सही है, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर काट दिया। अब देखो किस टर्म में आंसर दिया है, अच्छा के इक्वल टू जी गलत, के इक्वल टू वन बाई जी गलत, जी के जी के इज इक्वल टू फोर स्क्वायर बाई एम ये भी गलत। अच्छा है तो फोर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा मेन इक्वेशन कौन सा आया बेटा, ये आया। अब इससे देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, कुछ तो नहीं किया यार, बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, नहीं समझ नहीं आएगा क्वेश्चन में कहां सही है कहां गलत है। कितने लोग ग्रेविटी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, सबने अटेम्प्ट किया था, नहीं किए थे क्यों, सोचना बेटा, सोचने पे काम नहीं होता है, करना पड़ता है। चलो 13 तक बताते हैं, कल 25 तक अटेम्प्ट करिएगा। अब जिसने अटेम्प्ट कर दिया 20 उनके पास 5 क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करना है, उनको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, हो सकता है 25 तक वो 35-40 तक अटेम्प्ट कर लें, 13 तक बताएंगे, कल जो है 25 तक, आगे कोई फंसा ही नहीं होगा। 10th क्वेश्चन मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था, ई और आर में यदि ग्राफ बना हो तो सीधे वाले ग्राफ से निगेटिव वाला ग्राफ ज्यादा, क्योंकि ई एनर्जी आपने देखा था निगेटिव में होता है, ठीक है, ये बता दिया गया था, क्वेश्चन में हाइये नहीं है बेटा, ये बात नहीं बताई गई होती तब होता क्वेश्चन में,
ठीक है, क्योंकि तब तो आपको दोनों सही लगते। और देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें दोनों ग्राफ बने हुए हैं, ए और बी सही दोनों हैं, लेकिन मोस्ट करेक्ट कौन सा है? यदि नेगेटिव, यदि ए वाला नहीं होता तो हमेशा हम किसको लगाते फिर? बी वाले को। इलेवेंथ क्वेश्चन क्लास में कराया गया क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फील्ड याद करो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सरफेस पे। प्राइमरी प्रेजेंट द वेरियस शेल, शेल का है बेटा, अर्थ का नहीं है। अर्थ का होता तो पहला सही होता, सेंटर तक बढ़ते हुए जाता है, इसके बाद कम हो जाता है। लेकिन शेल का मतलब हो गया कैसा? हॉलो स्फीयर। तो बेटा सेल यदि हॉलो स्फीयर है तो उसके सेंटर से सरफेस तक जीरो पोटेंशियल, इसके बाद फिर डिक्रीजिंग। तो शेल है तो कौन सा बेटा? ए। 12 क्वेश्चन, ये दो बेटा मास हैं उनके बीच फोर्स लगा रहा है, जितना एक मास दूसरे पे फोर्स लगाता है दूसरा उतने उतने पे लगाता है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लैला मजनू कॉन्सेप्ट। yes. बता दिया गया था ये, यदि वो एफ लगा रहा है तो कोई भी मीडियम आ जाए। मैंने कहा था यदि ये कैपिटल एम मास है और ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है, ठीक है, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन का, अपनी तरफ खींचेगा इसको कि आ जाओ, कितने से खींचेगा ये अपनी तरफ? एफ से। इसको ये कितने फोर्स खींचेगा बेटा? फोर्स सेम होती है क्योंकि एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर करोगे, जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, तो दोनों एम आ गए और आर आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था इसके बीच में 100 मास रख दो, 1000 मास रख दो, M1, M2, M3, M4, M5, लेकिन इनके इंडिविजुअल लगाए गए फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? चलो 13 क्वेश्चन, ये बेटा आपको पढ़ाऊंगा अभी मैं, हीट में ही आएगा ये, ठीक है, कन्वेंशन, ठीक है, ये हीट में ही आएगा, याद रख लो। ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर फॉर कन्वेंशन, कन्वेंशन के लिए हमेशा हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। वैसे क्या लॉजिक लग रहा था ना? स्टीयरिंग ऑफ लिक्विड नहीं बताऊंगा इसको। देखो ग्रेविटी कैसे लगती है मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। कन्वेंशन क्या होता है बेटा? पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है, अब नीचे वाला पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी वॉल्यूम बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाले का मास ज़्यादा होगा क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे है, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डेंसिटी ज़्यादा है तो ग्रेविटी कारण ये कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, ये कन्वेंशन होता है, अभी तो कन्वेंशन में पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए बाकी बेटा कल क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइएगा 25 तक, ठीक है, क्वेश्चन बेटा लगाते हुए चलो। कुछ पूछने वाला, हाँ यार एक बात पूछनी थी, देखो बताया नहीं क्वेश्चन लेकिन आया हुआ है, देख रहा था कि कोई व्यक्ति है, पुराना रोटेटरी पे आ जाओ, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता दूं, क्या रोटेटरी मोशन का? हाँ कॉपी नहीं यार, वैसे बता देना पड़ेगा आपको कि कॉपी निकालोगे। एक व्यक्ति है झूला झूलने गया, कई बार झूले को ऐंठ नहीं लेते हैं बिल्कुल, इसके बाद छोड़ते हैं तो वो उल्टा जो है घूमते रखते हैं, ठीक है। उसने कहा कि वो उल्टा घूम रहा था, रोटेट कर रहा था झूले में खूब तेजी से, हाथ फैलाया हुआ था, ठीक है, सडन उसने अपना हाथ मोड़ लिया तो ओमेगा पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा, एक सेकंड ना, बढ़ेगा ओमेगा, बढ़ेगा क्यों? कारण अब देखो यदि रोटेट कर रहा है तो कुछ उसका कांस्टेंट होगा, क्या कांस्टेंट होगा? एंगुलर मोमेंटम,
यदि ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। पहले वो हाथ को जो है फैलाया हुआ है, तो क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एरिया ज्यादा हो गया? यदि एरिया ज्यादा हो गया तो क्या I1 ज्यादा हो गया? यदि I1 ज्यादा है तो ओमेगा 1 क्या होगा बेटा? कम होगा। जब उसने हाथ मोड़ लिया तो क्या क्या बेटा मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम हुआ? तो यदि I2 बेटा डिक्रीज करेगा तो ओबियस सी बात है ओमेगा 2 इंक्रीज करेगा। ये कॉन्सेप्ट सिंपल था, आंसर सही बताया, कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण क्या होता है, लिखा लिखेगा झूले में है और वो जो है हाथ को जो है पहले क्या किया हुआ है, सडनली स्ट्रेच कर देता है, कहता है पहले हाथ को जो है वो आउटवर्ड मूव कराया, इसके बाद सडनली स्ट्रेच कर लेता है इन साइड, देन ओमेगा विल इंक्रीज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हो गया? लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, बनाना हो तो बना लो बेटा, कहीं पे कुछ याद रहे तो, कोई इतना डिस्कस हो गया याद ही रहेगा, ये थोड़ी भूलेगा। ठीक है, दूसरी बात कहाँ कहाँ तक हुआ था इसमें, एनामोलस बिहेवियर ऑफ द वाटर हो गया था, अल्फा की वैल्यू जो होती है ऑर्डर ऑफ अल्फा इज ऑर्डर ऑफ अल्फा की वैल्यू जो ऑर्डर में होती है 10^-4 टू 10^-6 होती है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि एक मीटर की राड को गर्म कर दिया तो 5 मीटर बढ़ जाएगा, एक मीटर को राड को तुम गर्म करोगे और स्टेट चेंज नहीं होगा तो मैक्सिमम उसमें चेंज जो आता है वो 1 मिलीमीटर से भी कम आता है। ठीक है, समझ गए, 1 मिलीमीटर मतलब 10^-6 के आसपास। तो 1 मीटर रॉड में बहुत तुमने गर्म किया, इतना गर्म करना है कि वो पता लगा कि लिक्विड ना हो जाए, सॉलिड का सॉलिड ही रहे। ठीक है, तो कितना चेंज आता है, इतना होता है मैक्सिमम चेंज, इससे ज्यादा चेंज नहीं होता है, वो भी हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, आयरन रॉड विच लेंथ इज 1 मीटर, क्वेश्चन विच लेंथ इज 1 मीटर एट 0°C, एट 0°C इफ वी हीट अप टू 100°, फाइंड फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। अल्फा इज 3×10^-4, अल्फा की वैल्यू कितना दिया है फटाफट निकालो,
निकालो बेटा कितना आया, 4 into 10 to the power minus 2 meter. अरे पहले 1 मीटर था, फाइनली इतने होगा। अच्छा 1 मीटर से भी छोटा हो जाएगा क्या रॉड, गरम कर दिए तो। किसकी अल्फा की वैल्यू तो नहीं निकाल लिए? नहीं नहीं। वाह कमाल बेमिसाल। थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस फोर, उतना ही आ रहा है। गर्म करने में कोई फर्क नहीं पड़ा 100 डिग्री तक गर्म के? हाँ वही आंसर वही आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 into 10 to power minus 2 का मतलब है बेटा पहले रॉड कितने मीटर की थी? 1 मीटर की थी। अब तुमने यदि गर्म किया तो इस रॉड की लेंथ बढ़ेगी क्योंकि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव में है। अब तुम्हारा कितना आ रहा है? 4 into 10 to power minus 2। 4 into 10 to power minus 2 का मतलब हो गया बेटा 4.04, मतलब अच्छा 1 मीटर की रॉड को गर्म किया तो 4 सेंटीमीटर की हो गई। वाह कितना आया? 25। 1 मीटर की रॉड को गर्म किया 25 मीटर की रॉड हो गई। देखो मैंने कहा 1 मीटर की रॉड है, 1/2 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी अल्फा बहुत दिया गया है। 1.4 सेंटीमीटर गलत है, 1.4 मीटर भी गलत है। 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 दिया है मैंने। चलो निकालते हैं लेंथ कितने टेम्परेचर पे निकालना है हमें? 100 पे। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देन एल टी तो निकालना है हमें लेंथ, पहले कितना लेंथ है? 1 मीटर। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू डेल्टा टी 100। 100 को 10 टू पावर 2 कर दूं कोई फर्क नहीं है। कितना आ गया बेटा ये 1 प्लस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 को मैं 0.03 लिख दूं इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1.03 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1.03 मीटर। क्या बेटा क्यों नहीं लिखे थे बेटा? एक्सपेंशन में ये बहुत कम वैल्यू आएगी, उतना चेंज वैल्यू आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन होगा इसमें थोड़ा सा, और ऐसे कैलकुलेशन होंगे बहुत बड़े नहीं होंगे। क्या? हाँ बताओ कहाँ गलती हुआ था? अच्छा अच्छा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। 1 + 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 ये दिया हो तो इसको लिख सकते हो 1 + 0.0003। समझ में आ गया? इसका मतलब होता है 3 इंटू 10 टू पावर 4 और तुमने 3 + 1 = 4। अच्छा हम भूल गए बाय बोर्ड मास भूल गए बेटा। मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करने के बाद फिर जो है हम एडिशन करते हैं। गुड रे बताओ 3 + 2 × 5 कितना होगा? तुम्हें बताओ 3 + 2 × 5 13। सही है बेटा? 25 नहीं होगा ना? किसी बोर्ड मास से यही तो अभी कर रहे थे, इसके पहले जो आया था कितना आ रहा था फिर 4 × 10⁻⁴। और अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो इसको भी काट दिया 4 × 10⁻⁴।
टू गुड। हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ रॉड लेंथ इज 6 meter, a wooden wheel which radius is 1 meter if we want cover the periphery of wooden wheel from the rod completely, then what will change the temperature if alpha of rod is 3 × 10⁻⁴। क्वेश्चन समझ में आया कि समझा दूं क्वेश्चन फिर निकालोगे? देखो बेटा, क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 6 meter। ठीक है, और एक व्हील है, इसका रेडियस कितना है? 1 meter। अब चाहते हैं इस रॉड को इस व्हील के चारों तरफ कवर कर दें, तो हम कितना टेम्परेचर एक्स्ट्रा दें कि ये काम हो जाए? क्यों एक्स्ट्रा टेम्परेचर देंगे? इसका मतलब हम रॉड की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, व्हील का पेरीफेरी पहले निकाल लें कि व्हील की पेरीफेरी की लेंथ कितनी है, ठीक है। अच्छा, यदि व्हील की हम पेरीफेरी की बात करें, कितना जाएगा बेटा? 2πr, 2 × हाँ, पेरीफेरी तो ज्यादा है यार, 6 से। इसका मतलब इसको गर्म करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब निकालो, ये
1.4 डिग्री, इतना टेम्परेचर बस चेंज किया गया। अच्छा आ गया बेटा, सब लोग सॉल्व करो। अरे डायरेक्ट फार्मूला पे है क्वेश्चन बेटा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आया नहीं आया? अच्छा मैं लिख सकता हूं LT इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा T, ये तो सब लोग लिखे होंगे। अच्छा नेक्स्ट हमें कितना लेंथ चाहिए, ये तो क्लियर है ना। अच्छा 6.28 हमारे रॉड की लेंथ कितनी है? कौन पंकज सर, कौन पंकज सर आ गया? Okay. और कोई आया क्या? हमारी लेंथ कितनी है रॉड की? रॉड को इतना होना चाहिए। सही है, इसको इधर लेके चला जाऊं, माइनस हो जाएगा क्या? हमें डेल्टा टी से निकालना है, ये वैल्यू कितनी बचेगी? 0.28। डेल्टा टी तो पूछा है टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, ठीक। चौदह नौ नौ पाँच चौदह पचास
क्या क्या कर रहे थे यार उसी में, किसी को 1.4 आ रहा है। अरे 1.4 कैसे आया, क्या नहीं किए थे? मतलब तरीका मुझे बता दो डायरेक्ट का, हो सकता है मैं ही डायरेक्ट करने लगूँ। रख दिया अल्फा की वैल्यू, रखा तो है, रख दो 3 × 18 × 10⁻⁴ हो जाएगा, × Δt हो जाएगा। अब इसके साथ अब ये प्लस वाले को इधर माइनस करोगे तभी तो दो वैल्यू आपको। इधर वाला बेटा आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो क्योंकि डेल्टा टी अननोन है मल्टीप्लिकेशन में, नहीं कर सकते हो बेटा। जब तक ये पूरा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं होगा तब तक इसके साथ एडिशन आप नहीं कर सकते हो। क्या पढ़ते हो बोर्ड मास यार? अच्छा कैसे जोड़ सकते हो इसको बेटा, क्योंकि इसके साथ अभी मल्टीप्लिकेशन में ये भी है। अठारह छः 24 मूर्ख हेले, इसको लेके जाओ माइनस करो ना, पहले तो एक साथ ये कंपोनेंट आए आपके तभी तो डेल्टा टी आएगा। अच्छा जैसे आ गया 50 = 10 + 4 × 2 × Δx, क्या डेल्टा एक्स की वैल्यू बताओ। तो अब क्या कर दोगे 18 Δx = 15? कभी नहीं, पहले ये हो जाएगा बेटा 8 Δx + 10 + 10 को उधर लेके जाओगे कितना हो जाएगा -10, 40 = 8 Δx, देन Δx = ऐसे वैल्यू आप निकालते हो ना यार, पहले इसको माइनस करोगे, इसको एक टर्म में लेके आओगे तब ना करोगे, अलग ही अलग रूल। मतलब पहले उसको माइनस कर नहीं करते हम उस तरफ बिन, अरे यार जब तक तुम इस टर्म को एक साथ नहीं लेके आओगे तब तक तुम डेल्टा टी की वैल्यू कैसे निकालोगे। इसके लिए तो तुमको करना पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड। तो फिर यदि इस टर्म में आ गया तभी तो आप डेल्टा टी की वैल्यू अब निकाल पाओगे, इसमें कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अब डेल्टा टी की आपको वैल्यू ही नहीं पता है तो आप कैसे इसको जोड़ सकते हो मल्टी, पहले मल्टीप्लिकेशन करके टोटल वैल्यू तो निकालोगे तब तो ऐड करोगे इसके साथ, पहले इस पूरे की वैल्यू तुमको आनी चाहिए ना यार। अब ऐसा थोड़ी होता है कि 5 + 2 × 3 × 4 दे दिया। अब ऐसा आप कभी नहीं कर सकते बेटा कि 5 + 6 × 4 है तो 5 + 6 आप पहले जोड़ दो, नहीं, ये जोड़ने के पहले पहले ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नोट करो फटाफट। तो Yes, sir.
हो गया, क्वेश्चन नोट करो। टू मेटेलिक रॉड मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल देयर लेंथ L1 एंड L2 एंड कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा वन एंड अल्फा टू। The length difference initially is delta L. The length difference initially is delta L. ठीक है? And length difference at any temperature is delta L. ब्रैकेट में लिखना है बेटा, लेंथ डिफरेंस कांस्टेंट। क्या लेंथ डिफरेंस कांस्टेंट है? हर टेम्परेचर पे डेल्टा L ही है, चेंज नहीं हो रही है। फाइंड रिलेशन बिटवीन लेंथ्स एंड लीनियर कोफिशिएंट। अब हमें लेंथ्स में मतलब अलग अलग लेंथ में और अलग अलग लीनियर कोफिशिएंट में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। कह रहे पहले रॉड में मान लो लेंथ 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो किसी भी टेम्परेचर पे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अल्फा वन अल्फा टू अलग अलग हैं, तो हर टेम्परेचर पे किसी भी टेम्परेचर पे हम जा रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? डेल्टा एल आ रहा है। तो क्या रिलेशन होगा? निकालो। किसी को बड़ा मान लो, किसी को छोटा मान लो, L2 को बड़ा मान लो, L1 को छोटा मान लो, L1 को बड़ा ले लो, L2 को छोटा मान लो, तो भी निकलेगा। वो कहीं नहीं कहा है कि L1 L2 से बड़ा है, अल्फा वन अल्फा टू से बड़ा है, वो सारे रिलेशन अपने आप निकल जाएंगे।
जिसको कहो उसको बड़ा करके सॉल्व करूं, कर रहे हो? करो। अल्फा का रिलेशन निकला है सर, अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा ऑफ वी नॉट माइनस डेल्टा टी अपॉन वी नॉट माइनस डेल्टा टी। वी नॉट, वॉल्यूम तो दिया, एल नॉट तो कहीं दिया ही नहीं क्वेश्चन में, एल वन और एल टू दिया है क्वेश्चन में, कहीं एल नॉट ऑल नॉट दिया है क्या? नहीं। चलो देखो, हाँ फालतू क्वेश्चन यार, अच्छा ये मान लो L1 बड़ा है, मैंने मान लिया L1 माइनस L2 इज इक्वल टू डेल्टा L, ठीक। अच्छा जो इनिशियल L1 माइनस L2 है, मैं कह दूं L1 माइनस L2, मान लो हमने टेम्परेचर T दे दिया तो L1 की लेंथ बड़ी हो जाएगी। अच्छा मैं कह दूं L1 डैश माइनस L2 डैश इज इक्वल टू डेल्टा L, सही है, चाहे जिस टेम्परेचर पे लेके जाओ L1 की लेंथ बड़ी हो जाएगी। कितनी बढ़ेगी लेंथ L1 की टेम्परेचर T देने के बाद? बेटा मैं कह दूं L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T माइनस, बढ़ने के बाद भी तो बेटा उतनी रहनी चाहिए, L2 ये डेल्टा एल ही तो है, एल टू। चलो चलो अच्छे बताओ, ये पहले जितना था बढ़ने के बाद भी तो उतना है, तो ये बेटा L1 पहले जितना था, L1 डैश की वैल्यू क्या होगी? L1 डैश की वैल्यू क्या होगी? L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T होगी L1 डैश की वैल्यू, माइनस L2 डैश की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T, ये होगा क्या? अच्छा अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं L1 माइनस L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा T, बोलो, माइनस L2 माइनस माइनस L2 अल्फा 2 डेल्टा T। हाँ क्या बेटा? एक अब नहीं होगा मिक्स, ठीक है लो, लो ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा L1 माइनस L2
अब इस L1 को इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, माइनस होगा क्या, माइनस L1। अच्छा इस L2 को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस L2 इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 डेल्टा t माइनस L2 अल्फा 2 डेल्टा t। यहां तो कोई किसी को दिक्कत, अरे यार क्या इससे ये कट गया क्या, इससे ये कैंसिल हो गया क्या। अच्छा ये माइनस वाला है, इसको इधर लेके चला हूं तो प्लस हो जाएगा क्या। अब मैं लिख दूं L1 अल्फा 1 डेल्टा t इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा t। कितने लोग परेशान होंगे, सर इसको उधर ले जाना था। ठीक है ना, सही है ना, माइनस रहेगा कहाँ पे। यही दिक्कत है। अच्छा L2 अल्फा 2 डेल्टा t इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 डेल्टा t होगा, होगा तो मैं लिख सकता हूं पहले L1 अल्फा 1 डेल्टा t इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा t लिख सकता हूं। धन्यवाद। हद कर दिया आप लोगों ने यार, अरे जरूरी है कि मैं इसी को इधर ले जाऊं। अरे मान लिया ये इधर है, ये इधर पहले से ही है, इसको मैं इधर लेके जा रहा, ये भी माइनस, माइनस माइनस कट गया प्लस, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी बात, कट गया। क्या आ गया रिलेशन हमारे पास, पहला रिलेशन ये कई बार दिया है, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, एक तो ये देता है। दूसरा L1 अपान L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपान अल्फा 1। तीसरा अल्फा 1 अपान अल्फा 2 इज इक्वल टू L2 अपान L1। छपो, सिंपल तो था यार, ये वैल्यू याद रखना, यदि डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहे तो L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। ये कुछ ऐसे फैक्ट है बेटा जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सर्कल 9:30 से कितने बजे तक क्लास चलेगा? 9:30 से तो पहले आओ, लास्ट मेरी है, 4:30 तक तो चलेगा ही चलेगा। साढ़े चार है बेटा, कब 5:45 हो जाएगा, अब स्टार्ट हो गया है, दिसंबर तक होगा ये। कंबल क्या रजाई पैंट सेट बनवा लो। हम लोग तैयारी करते थे, एक लड़का था बहुत नफासत में रहता था, नफासत मतलब क्या बोले, नवाब, ठीक है। तो उसका कमरा बेटा कोचिंग से कितना दूर था, चौपाटी इतना दूर, ठीक है। तो कोचिंग मतलब उसका कमरा जो था वहाँ जहाँ हम लोग कोचिंग पढ़ते थे वहाँ से मैं चौपाटी ले लो या बहुत ज़्यादा आपको दूरी मानना है तो किताब घर देख रहे हो, बस इतना दूरी पे मैक्सिमम था। तो बेटा वो पापा वापा उसके गाड़ी नहीं चलाने देते थे, मतलब हर महीने पे आते थे, गाड़ी उसको गाड़ी साइकिल रखना अलाउ नहीं था। तो उसने बेटा रिक्शा बुक किया था महीने के हिसाब से, सुबह उसको 9 बजे कोचिंग छोड़ने आता था रिक्शा वाला और शाम को 5 बजे आके खड़ा हो जाता था, वो इतने दूर आता और जाता रिक्शे से था, ठीक है। मैं उसको देखता था हंसता था, लगा भगवान ने तुमको विधाता ने बनाया होगा, जब पैदा हुए घर वाले बहुत दिन रात कम से कम महीने भर थाली पीटे होंगे, ठीक है, कि आदमी हुआ है कुछ आदमी वाले काम करेगा। अबे
तुम इतना नहीं झेल पाते, तुम मेडिकल कॉलेज में तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा 12-12, 16-16 घंटे, तुम MBBS पास ही करके जाओगे तो कहाँ से तुम कर लोगे MBBS बेटा। वहाँ पे अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर गनीमत होती है, फर्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा वर्कडन आप पे नहीं डाला जाता है। फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत रात में लगेगी OPD, सेकेंड ईयर में होगा, थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में बेटा तो फिर दिमाग ख़राब रहता है, सुबह पता लगा कि 9 बजे से क्लास है, 9 से शाम 5 बजे तक क्लास चल रही है और 5 बजे पहुँचे तुम छुट्टी हुआ, तो बगल में होता है हॉस्टल, यहाँ से लेकर के चौपाटी इतनी दूर ही हॉस्टल होता है मैक्सिमम। आप हॉस्टल गए, खाना वाना खाए, तब तक पता लगता है कि 7 बजे से आपकी ड्यूटी है, 7 से 12, 1, 12 बजे आप सोचे कि अब ठीक है, अब पहुँचोगे कमरे पे तब तक मैसेज आएगा सुबह 4 बजे से OPD लगी है, 4 से 6, फिर आप 6 तक करके आओगे, 7 बजे सोओगे, फिर तुम्हें 9 बजे से क्लास लेना होगा। अब आपको मेहनत करना पड़ेगा बेटा, या तो क्लास छूटेगी या तो OPD छूटेगा। OPD तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम छोड़ दो, क्लास छोड़ सकते हो, OPD छोड़ने लगे तो तुम पास ही नहीं होगे, हर तीसरे दिन तुम्हें बताएंगे अच्छा तुम OPD में नहीं हो, मतलब एब्सेंट हो, क्योंकि सीखोगे नहीं। थ्योरेटिकली तुम पढ़ते हो कार्डिक साइकिल, क्या कि हार्ट की धड़कन ये है, कोई आकर के पेशेंट हार्ट का नहीं बताएगा कि मेरी कार्डिक साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, समझे। पेशेंट ऐसे कहता है कि अरे डॉक्टर साहब ऐसे लगा था इसे सीना पे बोझ रखा है। पूरे बिना मेडिकल कॉलेज के बुक में तुम ढूंढ नहीं पाओगे सिम्टम, क्योंकि जो ये सिम्टम तुम पढ़ते हो काल मतलब अपना, ये तो सिम्टम बेटा बिल्कुल मेडिकल की लैंग्वेज में होता है ना। क्या मेडिकल की लैंग्वेज में तुमसे कोई बताता है? बता देने कि अरे डॉक्टर साहब ऐसा थोड़ी होता है कि मसल क्रम्पिंग हो रही है, लैक्टिक एसिड डिपायर, ये फट रहा है एकदम, फट रहा है एकदम, चल नहीं पा रहे डॉक्टर साहब। पैर में कभी भी जब डर्मिस इपिडर्मिस लेयर होती है डैमेज तो क्या होता है, जलन होने लगती है, ठीक है, अंगार रखा है थोड़ी रखा होता है, उसमें होता है डैमेज आप इपिडर। तो ये प्रैक्टिकली आपको जो है OPD में जाते हो तभी सीख पाते हो और डॉक्टर तभी बनते हो, नहीं तो मेडिकल की किताब लेके आए, जितना मेहनत 5 साल कर रहे हैं वही यहाँ पढ़ करके नहीं दवा देने शुरू हो जाए, पकड़ ही नहीं पाएंगे बीमारी क्या है बेटा। इसको कहते हैं डायग्नोसिस, कहते नहीं कि डायग्नोसिस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पूरा समरी बना रहे हैं, तो ये ऐसे बनाना पड़ता है आपको। आपको कोई मेडिकल की लैंग्वेज में बताने वाला नहीं होगा कि ऐसा होता है और तुमने उठाया अच्छा ये है दे दिया दवा, ऐसा नहीं होता है बेटा, बहुत यही सीखने के लिए जाना पड़ता है। और तुम वहाँ एबसेंट हुए तो सीधे टीचर तुमको फेल करता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम डॉक्टर बन ही नहीं पाओगे, मेडिकल लैंग्वेज में तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है कि कौन क्या होता है। चलो क्वेश्चन नोट करो, क्लास एब्सेंट किए तो, क्लास एब्सेंट किए तो ठीक है, यदि तुम्हारा जो है 75% से कम अटेंडेंस है तो एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, बस। हाँ क्या बेटा? सर सिम्टम्स नहीं बताते, दवाई बताते, मुझे लिख के दो बेटा। मैंने क्लास कम गया लेकिन रहा कॉलेज में तो हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में क्लास मैंने नहीं छोड़ी थी, ठीक है, लेकिन रहा तो हूँ 5 साल कॉलेज में ही, ठीक है, तो चीज़ें पता रहती थी ना कि कहाँ क्या होता है कैसे होता है। चलो तो पढ़ते कब होंगे? पढ़ते कब होंगे? क्लास किस लिए है? OPD क्या है? OPD में जाते हैं हमेशा थोड़ी सबके साथ बैठे हैं, देख रहे हैं सब कुछ, वहीं बुक लेके जाते हैं बेटा, वहीं पढ़ते हैं, और कहाँ पढ़ेंगे? वहाँ पढ़ने के लिए नहीं होता कि टेबल चेयर मिलेगी तभी पढ़ोगे, वहाँ खाने के लिए डाइनिंग टेबल नहीं होता है बेटा, ठीक है। पता लगा कि ब्रेड और वो बंद मक्खन उक्खन जो है वहीं पैक है और वहीं चाय आ रहा है, ठीक है, कैडावेयर बगल में बढ़िया जो है किसकी होती है, किसमें फॉर्मेलिन सोल्यूशन की एकदम बेहतरीन महक आ रही है, ग्लव्स निकाले अपना ब्रेड वेड बंद मक्खन खाए चाय पिए फिर ग्लव्स चढ़ाए फिर कैडावेयर में काम शुरू। पहले दिन तो 4-6-10 गिरे मिलते हैं फॉर्मेलिन के महक से, पता लगा स्कल्प लेकर के कटिंग करना होता है, ठीक है, कटिंग करना इधर होता है वो पहले चक्कर आ जाता है उनको, ठीक है, 2-4-10 दिन बाद क्या होता है कि उसी कैडावेयर के बगल में बैठ करके नाश्ता करते हैं, चाय भी लड़ा के पीते हैं, यार यार मजा आ गया कि कैडावेयर देखते हैं, ये बड़ा हेल्दी था यार ये तो। बहुत डिस्कशन होती है, बहुत बातें होती है बेटा, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। चलो
बेटा यदि आपको बहुत बड़ा बनना है तो ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, एल एल एल, अल्फा टू अल्फा टू अल्फा टू, ए बी सी डी, डी जो है वो मिड पॉइंट है। बनाओ और क्वेश्चन लिखो, बहुत मजा आता है यार, जाओगे बहुत आनंद आता है। तो हाँ वहां पे मेहनत करने में मजा आएगा, क्यों मैंने, क्योंकि तुम अकेले वहां मेहनत नहीं करोगे ना, वहां सब उतने कर रहे होंगे, वहां का माहौल अलग होता है। बिना कह तो रहा हूँ कि कभी छुट्टी उट्टी मिले और मेडिकल कॉलेज चले जाओ, 10 दिन रह लो, एग्जाम के पीरियड में पहुंच गए तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, देखोगे 3-3 दिन बच्चे सो ही नहीं रहे हैं, कोई नहीं सो रहा है, चाय पी करके पूछे कितने घंटे से पढ़ रहे हो, पता लगता है 45 घंटे से 50 घंटे से सोए ही नहीं है एग्जाम टाइम में, ठीक है। तुम्हें लगेगा उतना मेहनत देख लोगे तुम्हें लगेगा अरे बहुत आसान है प्रिपरेशन भाई। बाकी वीक में जाओगे जैसे जुलाई अगस्त में चले गए एग्जाम, एग्जाम जस्ट रिजल्ट रिजल्ट आया, तुम्हें लगेगा अरे क्या मस्ती चल रही है। लेकिन ये है कि थर्ड ईयर के पास जाओगे तो हमेशा तुम्हें ओटी में जाना, ये जाना, हमेशा चीज़ें बताएंगे, और उतना करके आने के बाद जब बाहर नॉर्मल डॉक्टर बन के निकलते हैं तो फैंटास्टिक, उनको लगता है बहुत आसान चीज़ें हैं, और हो भी बहुत आसान जाती हैं। इसीलिए बेटा मेडिकल कॉलेज में हमेशा गवर्नमेंट प्रीफर करते हैं ना कि आपको पेशेंट मिलेंगे, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले गए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल थोड़ी होता है, वो तो पढ़ा करके भेज दिए, पता लगा एक कैडावेयर मंगा रहे हैं, उसको फर्स्ट ईयर को पढ़ाए जा रहे हैं, एक कैडावेयर मंगाने में बहुत पैसे लगते हैं बेटा, ठीक है। एक मशीन है, 50 लोग खड़े हैं, मेन जो टीचर है वो करके दिखा रहा है, आपको कुछ करने को मिला ही नहीं, तो ये सब दिक्कतें होती हैं। और प्राइवेट कॉलेज में फिर या तो फिर उस लेवल की जाओ जैसे मणिपाल, मणिपाल की मेरिट भी तुम्हारे नीट की मेरिट से 4 नंबर नीचे, 3 नंबर नीचे होती है एमबीबीएस की, इससे ज़्यादा नीचे नहीं होती है। या फिर तुम किम्स चले जाओ, रमैया चले जाओ, बंगलोर की मेडिकल कॉलेज, उसके भी 2-3 नंबर नीचे होते हैं तुम्हारे नीट के मार्क्स से, लेकिन पैसे लगते हैं वहाँ पे बेटा। नीट का मार्क्स जैसे तुम्हारा 524 पे मेरिट गई, लास्ट मेरिट 524 पे गई, कई बार तो छत्तीसगढ़ की मेरिट से ज़्यादा होती है उसकी मेरिट, क्योंकि बाहर के बच्चे चले जाते हैं, ठीक है। अब फीस उसका पता लगा कि 15-20 लाख रुपए एनुअल है, जहाँ आपकी 20-25 हज़ार एनुअल है तो एक साल की फीस इतना ज़्यादा है, ठीक है। बाकी फालतू वालतू जगह चले गए तो तुम पढ़ के तो निकल जाओगे लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, अपना चलाने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए और चाहे तो इसके पास बहुत पैसे होते हैं, प्राइवेट MBBS कर लिया, चार्टर्ड डॉक्टर अच्छे पैसे, हॉस्पिटल खोल लिया, जिसके पास बहुत पैसे हैं, मंत्री विधायक के बेटे, पता लगा कि अपना हॉस्पिटल खोल लिया, 4-6-10 डॉक्टरों को हायर कर लिया, भाई जितना मुँह मांगा पैसा देंगे, उसी से पैसा कमा रहे, तो वो बिजनेस हो जाता है, फिर वो डॉक्टरी नहीं रह जाती है, फिर वो मेडिकल फील्ड नहीं रह जाता बेटा। चलो इसको बनाओ, क्वेश्चन नोट करो, थ्री मेटल रॉड हैव सेम लेंथ, हाँ मेटल रॉड है, एल 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 दिख नहीं रहा है फिगर में, हैव अ सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेस्ड एज एक्विलेटरल ट्रायंगल, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड एज इक्विलेटरल ट्रायंगल, शोन इन अ फिगर, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी रॉड, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ वी सी रॉड, इफ एडी इज इंडिपेंडेंट ऑन, इफ एडी इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज इन टेम्परेचर, फाइंड रिलेशन बिटवीन, एक गलती हो गई बेटा, इसको अल्फा वन कर लो, नीचे वाला अल्फा वन कर लो, अल्फा टू लिखने का मतलब है अल्फा वन तो कहीं होगा, मैं सबको अल्फा ही नहीं लिख देता,
नहीं, वो दोनों टू टू है, ठीक है। क्या लिखे बेटा? नहीं, एडी से बताओ। एडी इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन टेंपरेचर पॉइंट रिलेशन बिटवीन बिटवीन अल्फा वन एंड अल्फा टू। अच्छा ये बताओ, एडी इंडिपेंडेंट ऑन टेंपरेचर, इसका मतलब हम टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं तो ये रॉड भी ऐसे बढ़ रही होगी, ये रॉड ऐसे बढ़ेगी और ये रॉड ऐसे बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, और ये इतना बढ़ रही है कि इसको बैलेंस कर रही है। इसका मतलब यदि हम हाफ ट्रायंगल को देखें तो क्या ये वाला इसको बैलेंस कर रहा है, इसके लेंथ इंक्रीज होने को? यदि बैलेंस नहीं करता बेटा तो खिसक जाता, पक्की बात है। और ये हाफ इसको बैलेंस कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। L1 अल्फा वन इज इक्वल टू L2 अल्फा टू, याद है पढ़ाया गया था अभी थोड़ी देर, इंडिपेंडेंट होता है तो L1 यहां पे कितना है? L बाई टू। अल्फा वन कितना है? अल्फा वन बाई टू। बेहोश हो गए कितने लोग? आप को लेके चल रहे हैं। इज इक्वल टू L कितना है? L और अल्फा टू। कुछ कट पिट रहा है क्या? L से L कैंसिल। अल्फा वन इज इक्वल टू, यू टाइम्स में आया क्वेश्चन है। अब यहां गलती हमसे कहां कहां हो सकती है? L2 तो हम कर लेते हैं, कई बार अल्फा वन नहीं करते, अल्फा पर यूनिट का होता है, लेकिन यदि हाफ निकाल रहे हैं तो क्या हाफ लेंथ के लिए हाफ ही अल्फा है? ठीक है, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका सलूशन बहुत लंबा है, बाइनोमियल से निकलता है बेटा, जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक से आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। और इसका ट्रिक इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके पहले एक क्वेश्चन उस पर मैं आपको L1 अल्फा वन इज इक्वल टू L2 अल्फा टू से बताया है, क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नोट करो फटाफट, एक लाइन का क्वेश्चन था ये। अब देखो सीबीएसई जब मेंस वेंस होता था बेटा तो इसका पूरा सलूशन बताता था, सलूशन आपको जरूरत नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा सलूशन होता है, मतलब ही नहीं है, कर भी नहीं पाओगे, बाइनोमियल दो दो बार लगेगा, बाद में मुझे ट्रिक बतानी ही पड़ती थी। अब कुछ लोग समझ जाते थे, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नोट करो, स्टेटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट, कोफिशियंट ऑफ, ये नोट हो गया ना, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हैव डायमेंशन थीटा टू पावर माइनस वन। स्टेटमेंट सेकेंड, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन has dimension theta to power minus 1। option first, a is correct, b is wrong, मतलब first is correct second is wrong, a भी नहीं दिया ना, first second लिखे हो ना, हाँ तो first correct second wrong, option second, सेकेंड करेक्ट फर्स्ट रॉन्ग, ऑप्शन थर्ड बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन फोर बोथ आर रॉन्ग। फटाक से तुरंत बताओ, बोथ आर करेक्ट,
मैंने कहा था वॉल्यूम एक्सपेंशन हो, एरियल एक्सपेंशन हो, या अल्फा बीटा गामा, तीनों की डायमेंशन सेम, तीनों की यूनिट सेम। अगला क्वेश्चन नोट करो फटाफट। अच्छा क्वेश्चन घर के लिए दे दूं क्या, एक थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, सोचना समझना, ठीक है। A rod of length, a rod of length, थर्टी सेंटीमीटर, मेड अ मेटल ए, ए ए ए कैपिटल ए, कोई ए मेटल है उससे बना हुआ है, एक्सपेंड बाय जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव सेंटीमीटर, जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव सेंटीमीटर when temperature increase 0 to 100 degree, another rod have different metal B, have different metal B and length is 30 centimeter. हाँ पहले वाला भी 30 सेंटीमीटर था, ठीक है 30 सेंटीमीटर। If temperature increase 0 to 100, इट लेंथ इंक्रीज या लेंथ एक्सपेंड 0.045 सेंटीमीटर, थर्ड रॉड मेड made by metal A and B, मतलब कुछ portion किसका लगाया, metal A का, कुछ portion लगाया metal B का, and its length is 30 centimeter. And 100 degree temperature it expand 0.065 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्यों वो दूसरा इतना बड़ा है? अरे यार ये एनसीईआरटी नहीं है, जब आईआईटी में नहीं आता था लिखने वाला क्वेश्चन, प्री होता था और मेन होता था, तो मेंस का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखिए क्वेश्चन में, भूल गया तो क्या हुआ? अरे क्वेश्चन बड़ा आसान है, फाइंड प्रोपोर्शन एंड लेंथ ऑफ, प्रोपोर्शन भी बताना है और लेंथ भी बताना है, ए एंड बी। कह रहे हैं कि ए है, ए मेटल का है, 30 सेंटीमीटर का है, इसको गर्म करते हैं तो कितना बढ़ जाता है 0.075 सेंटीमीटर। बी है, ये भी 30 सेंटीमीटर का है, इसको गर्म करते हैं तो कितना बढ़ जाता है 0.045 सेंटीमीटर।
अब कह रहे हैं इन दोनों से मिक्स करके बनाया, मान लिया हमने ए ले लिया ये, और थोड़ा सा कौन सा पोर्शन ले लिया, बी ले लिया, इससे जो लेंथ बन रही है वो कितनी बन रही है, 30 सेंटीमीटर ही। लेकिन अब इसको जब जीरो कर रहे हैं तो कितना एक्सपेंड हो रही है, 6 pi। कह रहे हैं ए का प्रपोर्शन कितना होगा और बी का कितना होगा, या ए का लेंथ कितना होगा और बी का लेंथ कितना होगा। करोगे घर पे? करना, ट्राई करना जरूर, ठीक है, नहीं करो, करना ट्राई जरूर बेटा, सही हो गलत हो मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि तुम सही ही इसको ट्राई करो, तुम बस केवल इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, क्वेश्चन करो ना, इसमें अल्फा दिया हुआ है, अब अल्फा वल्फा लोगे तो और फंस जाओगे। अब कुछ यूनिटरी मेथड लगाओ, कैसे पर यूनिट लेंथ कितना ये इंक्रीज कर रहा है, पर यूनिट लेंथ ये कितना इंक्रीज कर रहा है, और पर यूनिट लेंथ ये कितना इंक्रीज कर रहा है। मान लो इसका प्रपोर्शन एक्स है तो इसका प्रपोर्शन कितना हो जाएगा, वाई। गलत कभी मत करना, मर जाओगी, ठीक है। यदि ये एक्स लेंथ है तो ये 30 - x होगा, एक को तो नोन रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है, बस सॉल्व हो जाएगा। और नहीं सॉल्व होगा, सॉल्व तो मैं बताऊंगा, नहीं होगा तो प्रोपोर्शन में मैं किसका यूज़ करूंगा फिर, मैंने आपको मिक्सिंग बताई थी एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास से मिक्स करके एक सेकंड में निकाल दूंगा। एटॉमिक मास का नहीं था, एक 20 एटॉमिक वेट है, दूसरे का 50 एटॉमिक वेट है, दोनों को मिक्स किया गया इतने प्रोपोर्शन में, तो मिक्सचर ऑफ एटॉमिक वेट कितना आएगा, आता है, तो दो का मिक्सचर ही तो है।